हाई एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। अनुपमा स्टार कास्ट के रियल लाइफ पार्टनर्स, क्या आप जानते हैं कि अनुपमा टीवी सीरियल में काम करने वाले कलाकारों की असल लाइफ पार्टनर्स कौन हैं और क्या करते हैं? वेल, अगर नहीं तो ये अपडेट सिर्फ आप ही के लिए है। टीवी सीरियल अनुपमा, जो कि हमेशा टीआरपी चार्ट पर राज करता है। अनुपमा टीवी सीरियल के प्रीमियर को साल 2020 में 13 जुलाई को रिलीज किया गया था और तब से लेकर अब तक इस सीरियल ने ऑडियंस के दिल में अपनी खास जगह बना ली है। ये टीवी सीरियल मेन लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली को अब घर घर में पहचान दिला चुका है, तो वहीं रूपाली गांगुली के साथ ऑडियंस टीवी सीरियल के साथ साथ बाकी के स्टार कास्ट को भी बेहद प्यार देती है। फिलहाल तो इस टीवी सीरियल में ये दिखाया जा रहा है कि मालविका के आने से इस शो में काफ़ी ज़्यादा कहानी में बदलाव आ गया है और अब अनुपमा भी अनुज से प्यार करने लगी है। जहां अनुज से अपने दिल की बात पता नहीं पा रही है अनुपमा, तो अब आपको बताते हैं कि हमारी शानदार अनुपमा से लेकर इस शो में काम करने वाले सभी सितारों तक कैसी है इन लोगों की रियल लाइफ। अनुपमा टीवी सीरियल में मेन लीड कैरेक्टर निभाने वाली खूबसूरत अदाकारा रूपाली गांगुली की शादी अश्विन के वर्मा से हुई है। अश्विन के वर्मा एक क्रिएटिव कंपनी के मालिक है और इन दोनों का प्यारा सा एक बेटा भी है। इतना ही नहीं, रूपाली गांगुली अक्सर सोशल मीडिया हैंडल पर अपने पति के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। अगला नंबर है गौरव खन्ना का, जिन्हें आप टीवी सीरियल में अनुज का किरदार निभाते देख रहे हैं। इस टीवी सीरियल में अनुज का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव खन्ना रियल लाइफ पार्टनर में बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं। अपनी पार्टनर के साथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स बिताते हुए नज़र आते हैं। यूँ तो कहा जाए तो इनकी पार्टनर असल ज़िंदगी में काफ़ी खूबसूरत है। और आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि गौरव खन्ना की शादी आकांक्षा चमोला से हुई है, जो कि टीवी की जानी मानी अदाकारा है। आकांक्षा चमोला को सुरागिनी टीवी सीरियल में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी और वो भाग्यलक्ष्मी, गंगा यमुना, भूत जैसे टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुकी हैं। आगे आपको बताते हैं आपकी प्यारी काव्या के बारे में। शो में शुरू से ही काव्या का किरदार काफ़ी ज़्यादा चटपटा दिखाया गया है, तो वहीं आप सभी की प्यारी मदालसा शर्मा अपने परिवार के साथ साथ अपनी बॉलीवुड कनेक्शन से भी नाम कमा चुकी हैं। दरअसल मदालसा शर्मा बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की बहू हैं और मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती के साथ उनकी शादी हुई है। इन दोनों की शादी 10 जुलाई साल 2018 को हुई थी और उसके बाद इन्होंने टीवी की तरफ रुख किया। अब बारी आती है सुधांशु पांडे, यानी कि आपके वनराज शाह की। सुधांशु पांडे भी अनुपमा टीवी सीरियल के एक बहुत ही जाने माने चेहरे हैं और सुधांशु पांडे के रियल लाइफ वाइफ मोना पांडे बहुत ही ज़्यादा प्यारी बताई जाती हैं। जब सुधांशु और मोना की शादी हुई थी, तब मोना सिर्फ 22 साल की थी और तब से लेकर अब तक इन दोनों के बीच में वही प्यार, वही बॉन्डिंग नज़र आती है। अब बात करते हैं आप सबकी प्यारी बा, यानी कि अल्पना बूच की। इस टीवी सीरियल में इन्होंने बा का किरदार निभा करके सबको एक साथ बांध कर ये साबित कर दिया है कि घर का बड़ा होना ज़रूरी होता है। अगर बात की जाए इनके पर्सनल लाइफ की, तो अल्पना ने एक्टर मेहुल बुच से शादी की है, जो कि कई सारे टीवी सीरियल्स में नज़र आ चुके हैं। अब बात करते हैं अरविंद वैद्य, यानी कि हम सब के चहेते बापू जी की। सोर्सेस की माने तो अरविंद वैद्य की शादी जयश्री वैद्य से हुई है और इस टीवी सीरियल में अरविंद बापूजी का किरदार बखूबी से निभाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में इस दंपत्ति को बड़े ही खूबसूरत टीवी की जानी मानी अभिनेत्री बेटी वंदना पाठक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जितने अच्छे एक्टर हैं असल ज़िंदगी में उतने अच्छे पिता भी हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं आप सब की चहेती विलन, यानी कि तंसिम शेख की, जो कि किंजल की मां का रोल निभाती हुई नजर आ रही हैं। अनुपमा टीवी सीरियल में राखी दवे बनकर इन्होंने सबके पसीने तो छुड़ाए ही हैं, लेकिन सैम नकुर से शादी करने के बाद वो टीवी सीरियल में किंजल की मां का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में वो अपनी छोटी सी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि रियल लाइफ में तस्नीम को एक छोटी सी बेटी भी है, जिसके साथ वो सोशल मीडिया पर कई बार नज़र आ चुकी हैं। फिर ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।
हैं।